खबर कानपुर नगर से है। आज मदर्स डे पर डॉक्टर से स्कूल केशव नगर में मदर्स डे के उपलक्ष्य में होटल मंदाकिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर दक्षिण की डीसीपी रवीना त्यागी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर राज तिलक, बाल रोग विशेषज्ञ तथा विद्यालय के प्रबंधक आदि लोग उपस्थित रहे। स्कूल के प्रधानाध्यापक रेणु सिंह ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर वंदना से हुआ, जिसमें भरतनाट्यम के माध्यम से छात्रों ने सामूहिक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का मुख स्वागत किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति की गई। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक माँ के सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम अपने स्कूल के सब माताओं का सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है? ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाते हैं। पैंडेमिक के कारण 2 साल से हम नहीं मना पाए, पर हमने ऑनलाइन बनाया था इसको, और ये बहुत ही आज हमारे सारे जितने भी बच्चे हैं उनकी मदर्स को हम सम्मानित करते हैं। इस दिन हमने जितने बच्चे हमारे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं और जिन्होंने हमारे स्कूल में बहुत बड़ा काम किया होता है, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो और पढ़ाई के क्षेत्र में हो, उन सबको उनकी माँओं को हम सम्मानित करते हैं। देश की माँ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की माँ को मैं संदेश देना ही चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि माँओं के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। माता ही एक समाज की धुरी है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को एक नया विकास दे सकती है, और ज़रूरी है कि हर एक माँ अपने बच्चे को जिस प्रकार प्रेम करती है उसी प्रकार उसकी पढ़ाई का, उसके हर एक विकास का भी ध्यान रखे। सुझाव है ये संदेश मैं चाहती हूँ कि ज़रूरी है कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसके निदान के लिए महिलाएं आगे आएँ। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे कानपुर शहर की जो DM है वो एक महिला है, यहाँ तो मैं समझ सकती हूँ कि एक महिलाओं का दायित्व भी इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा है और वो उसको निभा भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।